ये 6 किले 6 मिनट में भरे है। 6 किले 6 मिनट में भरे, हाँ जी, यानी ये किला 1 मिनट में। हाँ। ये अगर यहाँ देखने वाले सभी दर्शक ने मंजीत कुंडू किनारे के राम राम आज पहुंचे हैं दारसूल खुरद के अंदर। आपने कल एक वीडियो देखी थी कि दारसूल के अंदर पानी ने एंट्री कर ली है और उसका आप लोगों ने बाव भी देखा था। अगर उस बाव की बात करें, उस बाव ने रातों रात में या पूरी दारसूल डबो दी, बस गांव गांव बचे, हाँ खेत तो तकरीबन जा लिए। तो अपने साथ अपने एक अंकल मौजूद है, राम राम अंकल जी। राम राम जी। इसी गाँव से हो? हाँ जी, दारसूल से। दारसूल खुरद से। यू इतना ऐसा मंदिर कितना टाइम हो गया? या 3 दिन के अंदर अंदर है। 3 दिन के अंदर अंदर ये 6 किले 6 मिनट में भरे है। 6 किले 6 मिनट में भरे, हाँ जी, यानी ये किला 1 मिनट में। हाँ, उरे खड़े खड़े थे मजिद, खड़े थे। हाँ, खुद देखा ये? खुद जो मैंने। यो ये सड़क बिल्कुल ये डूबी पड़ी है। आगे कौन सा गांव है? अगर रूपा वाली उसमें कितने पानी होने की संभावना है? उसमें तो 8 फुट पानी होना ही डूब रही है। अच्छा, न्यू कहा कर है ऊत के पैर पलने में दिख जाकर है। तो उस गांव की तो हालत ही सड़के तो बेरा लग रही लागना है। तो उड़ा कोई रहता नहीं ना उसमें? कौन रहता? कोई नहीं रहता। मतलब आप किसान हो, आप भी, आपकी फसल तो उड़ा दिख दी भी नहीं। फसल खड़ी है क्या? ज्वार ज्वार दिखा कैमरा मैन तिको बी, या ज्वार दिखा दे बस, एक या ज्वार ज्वार लग रही दिखाना। हाँ। के लाग गई बाप ने, सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता, मल दौरा भाई 3,000-3,500 मिलेंगे। लीडर तो सेव खा दे सारे, लीडर खा जी है। और अच्छा, मैं तो सोदी संभाली कदम बाप दादे जितने पहला भी यूं देखा भी इतने के मिले। क्या एक दिन चलन की संभावना है बाढ़? संभावना तो जी या एक हफ्ता में उतर जाएगा पानी तो। एक हफ्ता में उतर जाए? हाँ। यू रबजा लागा आप लोगों का, तो इस रबजा में क्यों नहीं कर दी? तो ईब या पीछे से पानी और छोड़ दिया, नीब करा महीना में जाकर सूखा। हाँ, यू रबजा में लागू। जो आपने कभी तार सुन लो, गांव के पास टेल लगते, टेल बोलते इसको। हाँ। ये कुदनी हेड से चलो गए। हाँ। और यहाँ से ना सारा 10 किले दूर जाके आगे खत्म हो जाती है। आगे से जिम्मेदारों को पाइपलाइन दबाई है नीचे खेतों के लिए पानी के लिए। अच्छा। तो इसमें अगर इसमें पानी छोड़ेंगे, ये तो पहले ही टूटने कगार पे है। पीछे दीवाना की तरफ देखो, दीवाना वालों ने बिल्कुल, दीवाना तो पूरा तबाह हो लिया। ऊपर से थोड़ा सा रह गया था। हाँ। हमने कल हमारे गाँवदार सुली टीम में, मैं भी साथ में था और ननेड़ी के थे कुछ कुला के किसान थे। हमने जो चिमो सैंपल था नीचे से पूरा बंद था, वो उरली साइड से हमने सरकार की तरफ से हमारे कोई मदद नहीं मिली है। मैंने खुद एक्शन साहब को भी फ़ोन कराया, SDO को भी फ़ोन कराया मैंने, भाई हमारे को साधन उपलब्ध कराए जाए, जो भी साधन है हम उसके साथ आपसे कर्मचारी नहीं मांग रहे, किसान हम इकट्ठे हो गए उसको निकाल देंगे। प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। मैंने कम से कम 10 बारी एक्शन साहब से फ़ोन करा, नहर महकमा SDO साहब से भी फ़ोन करा। एक बार एक्शन ने SDO भेजा, मैंने कहा आप मशीन दे दो जी हमें, मशीन के साथ जो कि नीचे से ये सैंपल खाली हो सके। उन्होंने जो दोबारा हमारे से फ़ोन करते रहे, बात करते रहे, 10 मिनट में भेज रहे हैं, 6 बजे भेज रहे हैं, 6:30 बजे भेज रहे हैं, 5 बजे भेज रहे हैं, कोई उन्होंने कुछ सारा नहीं दिया। मैंने बार बार फिर गांव से और चले गए आदमी, हमने नीचे पैड बांध के जी, हमारे खुद रस्से बांध के, ना कोई सेफ्टी बेल्ट थी हमारे पास, अपनी जा जोखिम में डाल के फिर उधर से वो बोतों का खाली किया है, जो कि वो खाली होने के कारण रात रात में 1/2 फुट पानी उतरा है। आज देखो शाम तक 1.25 फुट उतरने की संभावना है, उतर जाएगा आस्ते आस्ते। नुकसान तो बहुत काफ़ी है, डाणी देखो, डाणियाँ कितना बुरा हाल है जी। डाणियाँ का तो बुरा हाल है, किसान तो मतलब तकरीबन तबाह हो लिया इस साल तो। जल काल बोलिया कर इसने, अगली साल अनकाल भी हो सके शायद है। भाई साहब हमने तो बड़े बुजुर्गों से ही पता करा सारों से, आज तक ज़िंदगी में जो इतना पानी आया है, आज तक ज़िंदगी में किसी ने इतना पानी नहीं देखा जो इस पानी ने तबाही मचाई है। और सरकार की और प्रशासन की तरफ से चाहे सरकार कुछ करती रहो, मैंने सुनने में आया भाई 4200 करोड़ रुपए जो रंगोई नाला है और इसके सरकार ने ऊपर से दिए थे उसमें से। हाँ जी, सुनने में आया, देखो लोगों से सुन रहे हैं, जो कर्मचारी भी कह रहे हैं और कह रहे हैं इसके अंदर 1 रुपये में लगाया। अगर इस रंगोई को 15 फुट नीचे गहरा किया जाए और उस मिट्टी को शेडो में लगाया जाए तो आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी कि इतना उसके, जैसे रंगोई नाला है, रंगोई नाला को कहीं तो सीधा है, कहीं 100 किले ऐसे मोड़ खा कर है, अगर उसको सीधा करा जाए रंगोई नाला को तो वो 20 किले भी नहीं पड़ता। 20 किले भी नहीं? हाँ, ऐसे मोड़ खा कर 100 किले पानी आएगा तो वो मारी करेगा ना। बिल्कुल है, अगर प्रशासन